नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ना ही अनबॉक्सिंग। आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो डिजिटल वेट स्केल का, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब में बहुत कम है। तो मेरे पास अभी दो वेट स्केल है, ये है एडोफिस का और ये है होफेन का। ये जो होफेन है, ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, अमेजन पर बेस्ट सेलिंग जा रहा है। और इसका जो मैंने रिव्यू किया था, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये हमेशा एक्यूरेट रीडिंग दिखाता है। तो डिजिटल वेट स्केल के हिसाब से ये परफेक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, क्योंकि ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? तो इसीलिए मैंने इसका रिव्यू किया। इसका भी रिव्यू आप देख सकते हैं, अभी ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। और आज मैं दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये थोड़ा छोटा है, होफेन छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। और दोनों ही ये टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। ऊपर का जो है टेम्पर्ड ग्लास है, ये साइड का देखिए ऐसा है। और बैक साइड में होफेन का ये वाइट प्लास्टिक है और एडोफिस का ब्लैक प्लास्टिक है। और दोनों में बैक साइड में चार सेंसर्स है। और देखने में इसमें थोड़ा सा पैटर्न है और इसमें नहीं है, यहाँ पे एडोफिस में थोड़ा सा डिजाइंस है। और दाम इसका 849 होता है और इसका 1000 के आसपास होता है। होफेन थोड़ा सा महंगा है, 100-200, और ये 100-200 कम है। तो आप कौन सा लेंगे? तो ये जानने के लिए आप पहले कंपेयर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए करते हैं कंपेयर। तो देखिए, मैंने दोनों को पास में रखा है, ये होफेन ये एडोफिस। दोनों में जो स्क्रीन है, ब्लू कलर का स्क्रीन है एलसीडी, और टेम्परेचर दिखाता है। यहाँ पे भी टेम्परेचर दिखाता है, ये साइड वाला टेम्परेचर का हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर का हो गया। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है एडोफिस में 23 दिखा रहा है सेल्सियस, और होफेन पे दिखा रहा है 26 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं है, तो मैं वो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वेट का मैं दिखाऊंगा, किसमें कितना वेट आता है वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए पीछे का देखते हैं क्या है। तो ये हो गया होफेन का बैक साइड, ये हो गया एडोफिस का बैक साइड। दोनों ग्लास का है, टेम्पर्ड ग्लास। तो यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे दो ट्रिपल ए बैटरी लगता है होफेन पे, एडोफिस में भी दो ट्रिपल ए बैटरी लगता है। तो दोनों में मैंने बैटरी डाल दिया है। तो अभी वेट को मेज़र करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्या करेंगे, अभी 5 kg का पैकेट मैं रखूँगा दोनों में एक ही टाइम पे, और कैमरा में कट नहीं करूँगा। एक में 5 kg रखूँगा, उसके बाद मैं उसको शिफ्ट करूँगा एडोफिस पे। तो देखते हैं किसमें कितना डिफरेंस दिखाता है, या दोनों ही एक्यूरेट दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले होफेन पे डालता हूँ, 5 kg का पैकेट डाल रहा हूँ मैं। देखिए 5 kg दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी सेम पैकेट में डाल रहा हूँ एडोफिस में। देखिए यहाँ पे 5 kg 100 ग्राम हो गया, मतलब 100 ग्राम डिफरेंस दिखा रहा है। तो फिर से ओपन पे डाल रहा हूँ मैं 5 kg का पैकेट। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग 5 kg दिखा रहा है। देखिए डिफरेंस पता चल गया होगा आपको, इसमें 100 ग्राम ज़्यादा दिखाता है और होफेन एक्यूरेट है। तो होफेन तो बेस्ट है ही, इसमें एक्यूरेट दिखाता है, लेकिन ये भी ख़राब नहीं है। इसमें 100 ग्राम ज़्यादा दिखाता है, आप हमेशा 100 ग्राम माइनस कीजिए, तो ये एक्यूरेट वेट मशीन हो जाएगा। तो दोनों ही वेट स्केल अच्छा है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जो भी डिजिटल वेट स्केल होता है वो हमेशा टेम्परेचर और सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है और बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो तुरंत ये डिफरेंट वेट दिखाएगा। और सरफेस अगर फ्लैट नहीं होगा तो भी ये डिफरेंट वेट दिखाएगा। तो ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज मैंने कंपेयर किया होफेन को एडोफिस से। तो अभी आपको पता चल गया होगा सब कुछ। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा लेना है। अगर आपको पूरा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो होफेन ले सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है हमेशा। तो आप ये ले सकते हैं, ये एडोफिस है, इसमें से आपको 100 ग्राम माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों ही अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ दोनों को। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक में है उसके ऊपर। अगर दोनों ही स्टॉक में नहीं है तो कौन सा लेंगे, इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और भी वेट स्केल में रिव्यू करूंगा। तो वो सब वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल को ऑन कर लीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको काम का लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।